सबसे आगे। इस हफ्ते आया खुशियों का त्योहार ईद, जिसे मनाने के लिए हमारे लिटिल जैम्स पहुंचे मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट शीशा में। आदाब, ईद की महफिल में आपका स्वागत है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। आज हम ईद की पार्टी मनाने आए, और जब हम यहाँ से अंदर आए लिफ्ट में, देखा तो उतने सारे फल फ्रूट और ये सब वगैरह रखे हैं, और आज बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा भाई? अरे भाई मुबारक हो। मुझे, मैं एक चीज़ बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ईद अपने अपने गांव में मनाता था और अपने घर में मनाता था, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी घर वालों के साथ। मगर आज मैं सभी लिटिल चैम्प्स के बच्चों के साथ ईद मनाऊँगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इन सभी से बहुत प्यार करता हूँ। आज हम आए हैं ईद स्पेशल में, और आज हम पार्टी मनाएंगे। जब हमने एंटर किया था तो देखा बहुत सारा खाना पड़ा है, और हम सब लिटिल चैंप्स थे, लेकिन सिवाय नीलाद्री के, वो गायब था। तो अभी मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ, वो भी बर्नाली दीदी के साथ। चलो, मटन बिरयानी खुलते कैसे है? खुशबू तो अच्छी है। प्लीज पुलाव, भूख बढ़ता जा रहा है मेरा। क्या करें, मुझे बहुत भूख लग रही है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा भूख बढ़ता जा रहा है, और मैं खाना खाना, जब से मैं देख रही हूँ ना, ये खाने खा रहे भग 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 भग। देखा, मैंने भगा दी, अब पॉलिश हो जाएगा, लेकिन खाने के टाइम में जरूर वैसा ही खाएगा जैसा वो झांक रहा था। और लस्सी ठंडे है, हम इसे नहीं पी सकते, क्योंकि हमारे गले के लिए अच्छी नहीं पड़ेगी। और यह शरबत, इसमें बर्फ डली हुई है, इसे भी नहीं पी सकते, मगर हमने सादा मंगाई है, हम सादा पी। और ये है ठंडा पानी, इसको भी हम नहीं पी सकते, तो हम पियेंगे क्या? बर्नाली दीदी, खाने में शर्म आ रही है क्या? बर्नाली दीदी शर्मा नहीं रही है, वो ऐसे ही खाती है। अबे दो किलो के लड्डू। ए चुप रहे, मैं रोक रहा हूं। अभी मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा, अभी मैं खाने में जुड़ा हूं और ज्यादा से ज्यादा खाऊंगा। ऐसी बरसातों में खाओ ना। मैंने इतना सारा खाना खा लिया तो ये मैं नहीं खाऊंगी, मैं पेट भर गया, तो ज्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। मोटी तो पहले थे, मोटी होगी क्या? आज हम इकट्ठा हुए हैं थोड़ा सा ईद का कुछ और मज़ा, एक अलग याद बनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ईद ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम फैमिली के साथ गुजारते हैं और करीबी लोगों के साथ गुजारते हैं। ये जो हमने एक सफ़र तय किया है बच्चों के साथ, वो भी एक तरह से अब हम उनको एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं। और कल ईद का दिन है, और मैंने बच्चों को दावत दी है हमारे घर पे, तो हम सब इंजॉय करें आपस में एज जस्ट लाइक अ फैमिली। और साथ ही हमारे लिटिल चैंप्स अपनी ईदी लेने पहुँचे गुरु अदनान के घर। आज अदनान सर के घर में हम सब आए, और अदनान सर ने हमारे लिए पियानो भी बजाया, और बहुत टाइम से हमें बहुत कुछ सिखाया। और आज जो कि ईद है, ये तो हमारे लिए खास दिन है, जो कि और आज अदनान सर हमको अपना परफ्यूम दिया। जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो ये जरूर लगा के जाऊंगा।
आज की ईद बहुत बढ़िया रही, इतनी अच्छी ईद घर पे भी लेती रही। ये सफर मुझे जिंदगी का हमेशा याद रहेगा। हम सब की तरफ से आप सबको दिल से ईद मुबारक। चलो सबसे आगे।